क्योंकि मेरे माइंड में जो ब्रीड है वो भोटिया के अलावा एक बान गद्दी था जो कि मैं ले आया हूँ, ये फीमेल। जिस किसी को भी ये बच्चा लेना है डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा आपको। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड वाले पे। तो दोस्तों मेरे पास एक प्यारा सा भोटिया डॉग, ये आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारा, ये देखिए। वो पहाड़ की हसीन वादियों के साथ शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। तो आप वीडियो बने रहिए और वीडियो का आप आनंद ले सकते हो, क्योंकि डॉग के साथ ही साथ हम आपको और भी चीज़ दिखाएंगे फार्म में, विशेष चीज़। और हमारा जो फार्म है ये है बेमुंडा खाल में, और ये लगता है आपका आगरा खाल और खाड़ी के बीच में, यहाँ पे चेक पोस्ट है, ये देख सकते हो आप। जिस किसी को भी ये बच्चा लेना है डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा आपको, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमें। बाकी आप वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों ये देखिए, ये मैंने लाया है बान गद्दी की एक प्यारी सी फीमेल, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी में है। क्वालिटी भी आप देख सकते हो आपके सामने, और मेरे फार्म में ये देखिए। तो गाइस ये देखिए हमारे पास जो क्वालिटी है बान गद्दी की, आप देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त। और ये भी हमारी एक लोकल डॉग ब्रीड है, पहाड़ की एक शान। अगर हम बात करते भोटिया की तो दूसरी जो ब्रीड है वो आती है हमारे पास बान गद्दी डॉग, जो कि आपके सामने है। ये क्वालिटी है, ये आप देख सकते हो फीमेल है, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी की, बहुत अच्छी क्वालिटी की। और इसके भी जो है पपीस अवेलेबल हो जाएंगे हमारे पास इसी सीज़न में, इसीलिए हमने ली। क्योंकि देखो भोटिया पे तो अब आजकल जो है सभी लोग काम कर रहे हैं, और हम भी खुद भी कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं। तो हमने सोचा अगर हमें मौका मिला है तो इस ब्रीड पे भी हम काम करेंगे। ये आप देख सकते हो, ले क्वालिटी आपके सामने है। तो ये भी जो डॉग ब्रीड है, ये भी सोचते होंगे लोग, उनको मैं बता दूं क्या काम करती है। ये भी जो है भोटिया की तरह बकरी वाले जो होते हैं इसे अपनी गार्डिंग के लिए ही रखते हैं, जो कि उनके पास बकरियां होती है, अपना जो सामान होता है उसकी जो सुरक्षा के लिए ये डॉग पाले जाते हैं। कुछ लोग भोटिया पालते हैं जिन्हें हिमालयन शीप डॉग के नाम से जाना जाता है, और तो कुछ लोग जो पालते हैं ये गद्दी पालते हैं, इन्हें हफ्सू भी बोलते हैं। ये देखिए लोकल लैंग्वेज इनको हफ्सू बोला जाता है। ये भी ये जो ब्रीड है ये तिब्बत की ही ब्रीड है, लासा जो ब्रीड होती है लासा एप्सू, तो हम इसको हफ्सू बोलते हैं। लासा की जो ब्रीड है ये देख सकते हो आप, क्योंकि जो तिब्बत जो एरिया है वो हमारे जो पहले जो बॉर्डर हुआ करते थे वो कनेक्टेड थे सारे, तो वहाँ के लोग व्यापार करने आते थे, यहाँ के लोग जाते थे, इस तरीके से व्यापार चलता था। तो काफ़ी सालों पुरानी ये ब्रीड है, जैसे हमारी लोकल डॉग भोटिया है वैसी ही ये भी एक लोकल डॉग ब्रीड ही है, जो कि सालों से यहाँ रह रही है। कई लोग इसे हफ्सू बोलते हैं, कई लोग इसे बान गद्दी बोलते हैं। ये देखिए ये भी भोटिया जैसे खतरनाक खूंखार होते हैं, बाहर जो जानवर होते हैं लेपर्ड के लिए या किसी अन्य जानवरों के लिए, और गार्डनिंग के मामले में बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। क्वालिटी आप देख सकते हो, और ये मात्र अभी एक साल की है, क्वालिटी आप देख सकते हो। तो मेल है, अभी मेल देख रहा हूँ मैं, कोई मेल अगर अच्छा मिलता है तो हम खरीद लेंगे, अदरवाइज नहीं मिलता है तो इनको हम मेल के पास, अच्छे मेल के पास क्रॉस करने ले जाएंगे। आजकल गर्मियों का सीज़न था लगभग, अब तो बारिश हो चुकी है स्टार्ट, और उस कारण अभी इनके जो बाल हैं वो झड़ रहे हैं। अब जो बाल आएंगे नए फिर आप देखोगे कि इस पर कितने लंबे लंबे बाल आते हैं। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से वीडियो नहीं आने का कारण ये भी था कि मैं काफ़ी समय से सर्चिंग में था कि हमें जो है फार्म में और क्या ब्रीड रखनी चाहिए, क्योंकि मेरे माइंड में जो ब्रीड है वो भोटिया के अलावा एक बान गद्दी था जो कि मैं ले आया हूँ, ये फीमेल, क्योंकि मुझे और कोई ब्रीड रखनी नहीं है। लोग बोलते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पे जो है कम डॉग है, मेरा कहना ये कि कम रखो और अच्छा रखो, और अपने लोकल डॉग ब्रीड पे ही काम करो। ये देखिए
दोस्तों ये देखिए कितने करेले लगे हुए हैं यहाँ, ये आप देख सकते हो, और इतने बड़े बड़े करेले, ये देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये किसी को करेले खाने तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें किस किस को करेले चाहिए। ये मैं निकाल चुका हूँ, ये इतने सारे अभी भी इस पे बहुत है। ये देखिए आप, और आगे भी हम इस पे काम करते रहेंगे और इसमें जो है हम ब्रीड निकालते रहेंगे इसकी। तो दोस्तों आपकी रिक्वायरमेंट थी कि जो आप क्वालिटी गोटिया में रखते हुए वही जो है बान गद्दी में रखिए, तो आपके सामने देखिए जो मैंने फीमेल लेके आई, क्वालिटी आप देख सकते हो इसकी, बहुत ही ज़बरदस्त है। ले अभी वैसे गर्मी का ही मौसम है तो अभी बाल जो है झड़ रहे हैं, तो धीरे धीरे इस पर जो है अपने टाइम टू टाइम इस पर बाल आते रहेंगे और इसकी वीडियो जो हम आपको दिखाते रहेंगे। ले तो देखिए आप, बाकी दोस्तों आप आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल कर दे सब्सक्राइब।